कर्ज माफी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने यह दावा किया है कि कमलनाथ सरकार ने 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। वहीं कृषि मंत्री सचिन यादव ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा एक किसान का नाम बता दे जिसका पिछले 15 सालों के शासनकाल के दौरान बीजेपी ने कर्ज माफ किया हो। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भाजपा लगातार कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है, जिसे लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव बीजेपी पर जमकर बरसे और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सचिन यादव ने किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले 7 महीनों में सरकार वादे के मुताबिक 20 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। 12.5 लाख किसानों की कर्ज माफी की सूची तैयार है, जिसके अनुसार जल्द ही किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। हमारी जो ऋण माफी की योजना है, ये इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, और इसीलिए इस योजना को जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करने का काम जो है किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रथम चरण में 20 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, 2 लाख तक के NPA और 50,000 तक के चालू खाते का जो है ऋण माफ करने का काम किया है। हमने जो है हमारे ऋण प्रक्रिया का जो दायरा है, दायरा को आगे बढ़ाने का काम हमने करा है, और उसकी शुरुआत हमने झाबुआ से कर दी है, और आने वाले समय में इसको हम जो है वो तमाम किसान साथी जिन्होंने चाहे सरकारी बैंकों से ऋण लिया चाहे ग्रामीण बैंकों से ऋण लिया है, उन तमाम किसान साथियों को जो है ऋण माफी का लाभ देने का काम हम हमारी सरकार कर रही है। वहीं कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से जो वादा किया था कि उनका 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन पिछले 15 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, फिर भी किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। वहीं कृषि मंत्री ने बीजेपी को बड़ी चुनौती भी दे डाली। 2008 में शिवराज सिंह जी चौहान ने सरकार बनाई, उन्होंने तब प्रदेश में नारा दिया था कि हर किसान का 50,000 का ऋण माफ करने का काम किया जाए। 2014 में इन्होंने प्रत्येक किसान के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा करा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद एक भी किसानों से किए हुए उस वादे और वचन को पूरा करने का काम नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ये चुनौती देता हूँ कि पिछले 15 सालों में, विशेष करके पिछले 15 सालों में, आप एक भी किसान का नाम ऐसा बता दें जिनका कर्ज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, और नहीं तो हम मेरे साथ में वो आए और पूरे प्रदेश का दौरा करें और मैं आपको बताऊंगा और मैं सबूत के, मैं प्रमाण के, जो 20 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने करा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा है, वो मैं सबूत और मैं प्रमाण के मैं भारतीय जनता पार्टी को सौंपूंगा। कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि 2 साल पहले तक कृषि विकास दर 34% तक होने के जो दावे किए जा रहे थे, उसकी जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अन्नदाताओं, प्रदेश की जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा छलावा किया है। इन्होंने अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी खुद का ढोल पीटने के लिए इन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आंकड़े जो है प्रस्तुत करने का काम किया है, और वो आंकड़े जो कि धरातल से बिल्कुल विपरीत है, और इसका इस पर हम कार्रवाई हम करने का हमने निर्देश दे दिए हैं, और शीघ्र ही जो है इस पर से भी पूरा विस्तृत जांच करवा करके इस पर पर्दा उठाने का काम हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर कर्ज माफी को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब कृषि मंत्री खुद विपक्ष को जवाब देने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।